उधम सिंह नगर के गदरपुर स्थित गूलर भूज डैम में इन दिनों पर्यटकों की चहल पहल देखने को मिल रही है। इस डैम में अब पर्यटन गतिविधियां पटरी पर लौट आई हैं। पर्यटक यहां पहुंचकर साहसिक गतिविधियों का खूब लुत्फ उठा रही हैं। इस डैम के चारों ओर हरी भरी वादियां और तमाम प्रकार के पक्षी इसे और आकर्षक बनाते हैं। फिलहाल इन दिनों पर्यटक यहाँ पर मोटर बोट सहित कायाकिंग और पल्टून पोनट बोट सर्फिंग पैडल नाव और अन्य तरीके के जो नाव हैं उनका उपयोग कर रही हैं और मज़े उठा रही हैं। भाई पर्यटन की दृष्टि से यह वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत बेहतर है और सरकार लगातार इसके सौंदर्यीकरण के लिए कार्य भी कर रही है। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उधम सिंह नगर से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जाजपुर से ही है लेकिन हम लोग को जैसे समटाइम्स क्या होता है कि जैसे हम लोग एक दिन की छुट्टी होती है तो हम लोग जैसे दूर जाना है नैनीताल वगैरह तो उसके लिए पूरा एक दिन लग जाता है, लेकिन हमारे लिए नियर वंस जब मन किया हम लोग आ जाते हैं। और ऐसा नहीं, अब इट्स लाइक अ टूरिस्ट प्लेस, लेकिन बस एक चीज़ का थोड़ा सा लगता है चार्जेस को लेके, जो मतलब हर एक कहते हैं ना हर प्लेटफॉर्म के लोग यहाँ पर आते हैं तो सबके लिए थोड़ा सा ये होना चाहिए कि कम्फर्ट जोन होना चाहिए थोड़ा सा। भोज जो जलाशय है या कहीं ना कहीं मछली पालना और किसानों को सही समय पे सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के अलावा इसका कोई उपयोग नहीं होता था। हमारी सरकार बनी, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन, इसी योजना के तहत हमने इस जलाशय को पर्यटन केंद्र बनाने का काम किया।